प्रज्ञा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 फरवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 15 स्टेशनों का बदलेगा लुक और बढ़ेगी सुविधाएं। शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में हो सकता है बड़ा बदलाव। बिहार के लोगों को 7 फरवरी तक सर्दी से नहीं मिलेगी राहत। अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स को लेकर तेजस्वी यादव ने की ये बड़ी घोषणा। स्टार क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने लिया संन्यास। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 120 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्रेजुएट इंजीनियर, अप्रेंटिस और डिप्लोमा इंजीनियर के कुल मिलाकर 120 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट इंजीनियर, अप्रेंटिस के लिए बीटेक और डिप्लोमा इंजीनियर के लिए पॉलिटेक्निक पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 19 फरवरी 2023 तक है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद पर आवेदन करने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट sail.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इसमें आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जा रही है। बिहार के 15 स्टेशनों का बदलेगा लुक, बढ़ेगी सुविधाएं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्व रेलवे के 15 स्टेशनों का पुनर्विकास 20 से 25 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जिसमें स्टेशन के पुराने भवन को नए सिरे से बनाया जाएगा। लंबे प्लेटफॉर्म धंसे बिल्डिंग को हटाने, रूफटॉप प्लाजा जैसे कामों को पूरा किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए DPR तैयार करने को कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट की बहाली का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि इन स्टेशनों के विकास का पूरा खाका को तैयार करने का समय 1 साल तक निर्धारित किया गया है। वहीं DPR मिलने के बाद इसके विकास का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 15 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा उसमें मालदा टाउन, मुंगेर, जमालपुर, न्यू फरक्का, सुल्तानगंज, थुलियाना गंगा, जंगीपुर रोड, राजमहल, पीरपैंती, साहेबगंज, कहलगांव, सबौर, शिव नारायणपुर, बांका और गोड्डा शामिल है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आयशा एस ईमान के बारे में। आयशा एस ईमान एक भारतीय मॉडल और ब्यूटी पेंजेंट टाइट होल्डर है। उन्हें ग्लैमरस मिस इंडिया इंटरनेशनल 2015 का ताज पहनाया गया है और उन्होंने टोक्यो जापान में आयोजित मिस इंटरनेशनल 2015 पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें पैनासोनिक संगठन द्वारा वर्ष 2015 के लिए पैनासोनिक ब्यूटी एम्बेसडर पुरस्कार और मिस इंटरनेशनल पेजेंट में जापान टूरिज्म एंड इंटरनेशनल कल्चरल एसोसिएशन द्वारा मिस विजिट जापान टूरिज्म एम्बेसडर से सम्मानित किया गया। सुप्रिया इमन को मॉडलिंग उद्योग में उनके योगदान के बावजूद एशिया मॉडल फेस्टिवल में 2018 के वर्ष में दक्षिण कोरिया सियोल में एशिया स्टार मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें हाल ही में मुंबई के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में मुंबई पुलिस में कार्यरत IPS ऑफिसर विश्वास नागरे पाटिल के कर कमलों के द्वारा मधुर भंडारकर की फिल्म इंडिया लॉकडाउन में उत्कृष्ट अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू का अवार्ड भी दिया गया। मैट्रिक इंटर एग्जाम में रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आधार नंबर छुपाना पड़ सकता है भारी। वैसे छात्र जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आधार नंबर दर्ज नहीं करते हैं उनके खिलाफ बिहार बोर्ड की ओर से उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ऐसे छात्रों को परीक्षा से निष्कासित भी किया जा सकता है और या उनके रिजल्ट को भी रद्द किया जा सकता है। हालांकि किसी भी प्रकार का कोई कदम उठाने से पहले बोर्ड के द्वारा जांच पड़ताल भी की जाएगी और अगर जांच के दौरान यह पता चलता है कि आधार नंबर होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आधार नंबर नहीं गया है तो उसके बाद परीक्षार्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बोर्ड के द्वारा अभी परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जांच की जा रही है। इस बात की जानकारी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा दी गई है। दरअसल आधार नंबर छुपाने से बोर्ड को किसी भी छात्र के डिटेल्स डीजी लॉकर में डालने में परेशानी होती है। वहीं कई छात्र ऐसे होते हैं जो आधार नंबर छुपाकर एक साथ कई बोर्ड से परीक्षा फॉर्म भर देते हैं और अवैध तरीके से परीक्षा दे देते हैं। शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में हो सकता है बड़ा बदलाव। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शी, त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीयकृत एवं निष्पक्ष तरीके से करवाया जा सके, इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा मंत्री के निर्देश पर 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने को लेकर विचार किया जा रहा है। इसकी जानकारी खुद शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है। बता दें कि इस बदलाव में नियमावली के तहत 2020 में परिवर्तन कर शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें
2020 में 4 प्रकार की नियमावली को बदलकर 2023 में केवल एक नियमावली की जाएगी, जो सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगा, जिसके बाद आवेदकों को केवल एक आवेदन देना होगा और अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी के लिए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होगी। बेगूसराय में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा। बिहार में शराबबंदी है और ऐसे में प्रतिदिन शराब तस्करी का खुलासा हो रहा है। बता दें कि ताजा मामला बेगूसराय जिले के रिफाइनरी गेट के समीप एनएच 31 का है, जहां जिले के नगर थाना की पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एनएच के किनारे खड़ी एक ट्रक की जांच पड़ताल कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। मिली जानकारी के अनुसार जांच पड़ताल के दौरान ट्रक के तहखाने से 2178 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है, लेकिन इस दौरान ट्रक चालक भागने में सफल हो गया। फिलहाल पुलिस के द्वारा ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही कौन से तस्कर इसके पीछे है उसकी भी जांच की जा रही है। बीते दिन समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश पहुंचे अररिया। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान अररिया पहुंचे, जहां उन्होंने अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत आने वाले गांव नारायणपुर में पोखरा का अवलोकन किया और साथ ही जल परिजीविका, मत्स्य पालन, सोलर लाइट, हर घर नल जल योजना और बत्तख घर का भी अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने जैविक खाद एवं सूक्ष्म सिंचाई और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरित करते हुए बैटरी चालित ट्राई साइकिल का भी वितरण किया। इसके बाद नीतीश कुमार मोहिनी गांव के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने समेकित मत्स्य पालन एवं मखाना तालाब का निरीक्षण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के द्वारा लगाए स्टॉल का निरीक्षण लिया और साथ ही उनसे संवाद भी किया। बिहार के लोगों को 7 फरवरी तक सर्दी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट होने की उम्मीद जताई गई है, इससे ठंड में वृद्धि होगी। राजधानी पटना समेत प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की ठंड में वृद्धि की संभावना है। मौसम विज्ञानी सौरभ कुमार की माने तो 5 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भागों में मध्यम दर्जे के कोहरे का आसार रहेगा, जबकि शेष जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। पछुआ हवा में गति होने के कारण प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की ओर से किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। हालांकि 5 से 7 फरवरी के बीच थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में खुलेंगे 7 और एकलव्य स्कूल। जल्द ही बिहार को और 7 एकलव्य स्कूल मिलने वाला है। बता दें कि अब तक बिहार में 3 एकलव्य स्कूल है, वहीं इन 7 स्कूलों के खुलने के बाद बिहार में कुल 10 एकलव्य स्कूल हो जाएंगे। इन 7 एकलव्य स्कूलों के लिए उन जगहों को भी चिन्हित किया जाना है जहां आदिवासी समुदाय के लोग अधिक रहते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय बजट में देश भर में कुल 740 एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, जिसमें से 7 विद्यालय बिहार में शामिल है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की जाएगी। मालूम हो कि एक विद्यालय में लगभग 20 से 25 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकलव्य विद्यालय एससी एसटी वर्ग के छात्र और छात्राओं को शैक्षणिक सुविधा देने के लिए खोला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स को लेकर तेजस्वी यादव ने की ये बड़ी घोषणा। डबल डेकर वाले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एमवी गंगा बिहार का उद्घाटन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव द्वारा किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी को गंगा नदी में उपलब्ध कराने की तैयारी भी चल रही है। दरअसल इस बात की सूचना तेजस्वी यादव ने उद्घाटन के दौरान दी। उन्होंने कहा कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाएगा। लोगों को वाटर स्पोर्ट्स के लिए अंडमान और गोवा न जाना पड़े और लोग यहां आकर वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ ले सके। गंगा में वाटर स्पोर्ट्स में लाइफ सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है, जिस पर विभाग काम कर रहा है। लोगों को सुरक्षित माहौल में वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी उपलब्ध करवाया जाएगा। नीतीश कुमार के लपेटे में आए आईएएस अफसर केके पाठक। बिहार के तेज तरार आईएएस अधिकारी केके पाठक, जो मौजूदा समय में उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के प्रधान सचिव और विभाग के डीजी है, उनका एक वीडियो काफी चर्चाओं में बना हुआ है, जिसमें वो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों और बिहारियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी केके पाठक पर संज्ञान ले लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अपनी समाधान यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिली है। इस मामले पर मैंने मुख्य सचिव को जांच करने का भी निर्देश दे दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाली वाला वीडियो वायरल होने के बाद आईएएस अधिकारी के द्वारा खेद भी प्रकट किया गया है।
बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे गांधी संग्रहालय पटना के बारे में। गांधी संग्रहालय पटना में स्थित बेहद प्रसिद्ध गांधी स्मारकों में शामिल है, जिसका निर्माण वर्ष 1967 में किया गया था। यह सार्वजनिक सेवा संस्थान है जो महात्मा गांधी के जीवन और सिद्धांतों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में उनकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। महात्मा गांधी के जीवन के विभिन्न चरणों में से एक उनके बचपन की तस्वीरों वाला एक खंड भी है। इमारत में एक पुस्तकालय भी है जिसमें राष्ट्रपिता के जीवन से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं, साहित्य और ऑडियो वीडियो सामग्री का एक समृद्ध संग्रह है। पटना में देखने के गांधी संग्रहालय बेहतरीन जगहों में से एक है। बता दें कि पटना का गांधी संग्रहालय देश के 11वें संग्रहालयों में से एक है। पूरे राज्य में होगा तरकारी योजना का विस्तार। बिहार राज्य में तरकारी योजना का विस्तार हो सके, इसके लिए इस योजना को चौथे कृषि रोड मैप में शामिल कर लिया गया है। इससे न केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि इससे आने वाले समय में राज्य में और भी ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होने से सब्जियों का निर्यात दूसरे जगहों पर भी ऑनलाइन माध्यम से भेजा जा सकेगा। इस निर्णय के बाद वैसे लोग जो सब्जी का उत्पादन करते हैं उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाया जा सकेगा। बता दें कि इसके लिए सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पैक्स की तरह ही आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए प्राथमिक सब्जी उत्पादक समितियां को ही अधिकृत किया गया है। मालूम हो कि अभी राज्य की सब्जियां राज्य से बाहर नहीं भेजी जाती हैं। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा बड़ा अपडेट दिया गया है। उन्होंने उन शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील की है जो शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं और कहा है कि वे सभी न घबराए, बहुत जल्द ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली की जाएगी। दरअसल शिक्षा मंत्री ने बीते दिन यानी कि शुक्रवार को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द 7वां चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है, कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा। सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। पहले 9000 इकाई थी, अब ये 38 इकाई में नियुक्ति पत्र का बंटवारा होगा, किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। 50 सीटों पर दरभंगा एम्स में इसी सत्र से होगा नामांकन। दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बनने जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसी सत्र से दरभंगा एम्स में पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। डॉक्टर मध्यानंद कार, जो कि दरभंगा एम्स के निदेशक है, इसकी कोशिश में लग गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार शहर के 3 भवनों को छात्रों की पढ़ाई के लिए देखा गया है, जिसमें निर्माणाधीन सदर अस्पताल, बेला पैलेस और डीएमसीएच परिसर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल है। बेला पैलेस स्थित पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर यानी पीटीसी के प्रबंधन को जगह देने के लिए एम्स के निदेशक डॉक्टर मध्यानंद कार ने पत्र लिखा है, लेकिन अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जगह को सुनिश्चित कर लिया जाएगा। बिहार के रहने वाले आईएएस अवनीश शरण ने शेयर किया अपना यूपीएससी का इंटरव्यू लेटर। यूपीएससी क्रैक करना हर किसी की तमन्ना होती है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे चर्चित आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसे बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। ऐसे ही एक और आईएएस का नाम सामने आया है जिन्होंने अपना इंटरव्यू कॉल लेटर ट्विटर पर पोस्ट किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अवनीश शरण के द्वारा हाल ही में अपना एक इंटरव्यू कॉल लेटर ट्विटर पर पोस्ट किया गया है, जिस पर यूजर्स के द्वारा भी खूब कमेंट किए गए हैं। एक यूजर ने लिखा है, सर आपसे काफी मोटिवेशन मिलती है, बस थोड़ा गाइडेंस चाहिए। वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि काश हमें भी यह अवसर मुकम्मल हो पाता। इस तरह के कई सारे कमेंट्स अवनीश शरण के द्वारा किए गए पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी वो अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट शेयर कर चुके हैं। कैबिनेट विस्तार पर मुख्यमंत्री की बात काटने पर बीजेपी की चुटकी। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद के द्वारा बिहार में कैबिनेट विस्तार पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात काटे जाने पर चुटकी ली गई। बीते दिन यानी कि शुक्रवार को निखिल आनंद ने ट्विटर पर ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम क्या जदयू से किसी के मंत्री बनने का सवाल नहीं, विस्तार में राजद, कांग्रेस, वामदलों के मंत्री होंगे। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव मीडिया में कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब नीतीश जी की राजनीति खत्म हो गई है, एक्टिंग सीएम तेजस्वी, नीतीश सिर्फ गृह मंत्री हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कैबिनेट विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ कर दिया था कि फिलहाल कैबिनेट विस्तार नहीं होने वाला है और इसे लेकर महागठबंधन में कोई चर्चा भी नहीं हुई है।
उपेंद्र कुशवाहा पर बरसे अशोक चौधरी। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा एमएलसी का पद छोड़े जाने के बात को लेकर उन पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर उनके मन में अपने पद को लेकर और अपने नेता को लेकर कोई दुविधा है तो इसमें बोलने की क्या बात है, उन्हें अपना पद तुरंत छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा वैसे ही यह भी पद छोड़ दे। क्या उन्हें एमएलसी का पद छोड़ने के लिए पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? अगर आपके मन में नेता के प्रति पीड़ा है तो आपको जो करना है वह कीजिए। दरअसल जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जब उन्हें राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री जैसे पदों को छोड़ने में समय नहीं लगा तो यह एमएलसी का पद छोड़ना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। सम्राट चौधरी का तेजस्वी को राजनीति का बबुआ कहने पर आरजेडी का पलटवार। पूर्व मंत्री और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी बिहार की राजनीति के बबुआ है, वह बिना अनुभव के चार चार विभाग संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी है। लालू यादव के पास वोट है लेकिन तेजस्वी यादव के पास क्या है, वह तो अभी राजनीति में बबुआ है, अभी आए ही है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए किया ही क्या है, वही एक साथ चार चार विभाग के मंत्री है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा क्या रे भाई, कुछ दूसरों को भी दोगे। वही सम्राट चौधरी के द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर आरजेडी पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव राजनीति में बबुआ नहीं दादा है, इसलिए बीजेपी को बिहार की सत्ता से बेदखल कर दिया। अभी तक इसका डर बीजेपी के मन से नहीं निकल पाया है। स्टार क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने लिया संन्यास। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है। जोगिंदर शर्मा जो T20 वर्ल्ड कप के पहले एडिशन में चैंपियन भारतीय टीम का हिस्सा थे ने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा कि 2002-2017 की मेरी यात्रा मेरे जीवन का सबसे शानदार वर्ष रहा है क्योंकि यह खेल के उच्चतम स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान था। तेज गेंदबाज ने आगे अपने बयान में कहा मेरी टीम के सभी साथियों कोचों मेंटर्स और सपोर्ट स्टाफ को आप सभी के साथ खेलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं आप सभी को मेरे सपने को हकीकत में बदलने में मदद करने के लिए धन्यवाद देता हूं। जोगिंदर शर्मा ने चार वनडे और इतने ही T20 मुकाबलों में 2004 से लेकर 2007 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया है जिसमें उन्होंने 5 विकेट चटकाए। जोगिंदर को T20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल मुकाबले के लिए याद किया जाता है जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो आखिरी ओवर डालकर भारत के जीत की कहानी लिखी थी। एक सक्रिय क्रिकेटर रहते हुए जोगिंदर शर्मा ने अपने राज्य हरियाणा में पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और वर्तमान में ड्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। शाहजहां को आगरा का सम्राट 1628 में घोषित किया गया था। लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक 1881 में आया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन समय हुआ चौरी चौरा कांड 1922 को हुआ। महात्मा गांधी को खराब स्वास्थ्य के कारण 1924 में बिना किसी शर्त के मुंबई जेल से छोड़ दिया गया। भारत की 7वीं आर्मी बर्मा पर 1944 में जापान ने हमला किया था। भारत पाकिस्तान के बीच 1953 में कश्मीर के मुद्दे पर पहली बार बात हुई थी। 4 फरवरी 2009 को ही बाबा रामदेव को उनकी सेवाओं के लिए इंडियन अकादमी ऑफ एक्यूप्रेशर विज्ञान के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1938 में देश के मशहूर कथक कलाकार बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 1924 में भारत के नवे उपराष्ट्रपति कोचेरिल रमन नारायण का जन्म हुआ था। आज ही के दिन को विश्व कैंसर दिवस, वन अग्नि सुरक्षा दिवस सप्ताह और चौरी चौरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया गया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। @edumenofindia ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। व्हाट्सएप कॉल करना अब होगा और आसान। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल दुनिया भर में खूब किया जाता है। मेटा भी समय समय पर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें कई अपडेट लाता है। इस बीच खबर सामने है कि जल्द व्हाट्सएप में कॉलिंग करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। दरअसल कंपनी व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कॉलिंग शॉर्टकट फीचर लाने जा रही है। इसके बाद आपको किसी को कॉल करने के लिए लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना होगा। नए फीचर के जरिए लोग व्हाट्सएप कॉलिंग शॉर्टकट कस्टम रूप से कर पाएंगे, यानी आप जिन लोगों से लगातार इस ऐप के जरिए कॉल करते हैं उनकी एक लिस्ट बना पाएंगे जो अपने आप होम स्क्रीन में आ जाएगी। इस फीचर की मदद से आप एक सिंगल टैप में कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर पाएंगे और आसानी से कॉल भी कर सकते हैं।
बीते दिन सेंसेक्स 910 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी 1% की उछाल। बीते दिन यानी कि शुक्रवार को प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। बता दें कि इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 909.64 अंक या 1.52% बढ़कर 60,841.88 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 973.1 अंक या 1.62% बढ़कर 60,905.34 पर पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 283.65 अंक या 1.38% बढ़कर 17,854.05 पर बंद हुआ। इस दौरान जिसके सेंसेक्स के शेयरों में लाभ हुआ उनमें टाइटन, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, HDFC, भारतीय स्टेट बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंडसलैंड बैंक प्रमुख रूप से रहे। वहीं जिनके शेयरों में गिरावट आया है उनमें HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, ऑटो टेक महिंद्रा शामिल है। बिहार में मानव तस्करी को रोकने के लिए पुलिस सख्त। बिहार में मानव तस्करी पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। वर्ष 2020 में जहां 75% प्राथमिक दर्ज की गई थी, वहीं यह मामला वर्ष 2022 में बढ़कर 203 हो गया। हालांकि पुलिस के द्वारा भी इन मानव तस्करों की गिरफ्तारी में भी बढ़ोतरी की गई है। अगर हम इसके आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 में 102, वर्ष 2021 में 149, वर्ष 2022 में नवंबर महीने तक कुल 172 महिलाओं को पुलिस के द्वारा मानव तस्कर के चुंगल से बाहर निकाला गया है। वहीं अगर पुरुषों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2020 में 69, वर्ष 2021 में 225 और वर्ष 2022 के नवंबर महीने तक 365 पुरुषों का मुक्त करवाया गया है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा 2020 में 247, वर्ष 2021 में 331 जबकि 2022 के नवंबर तक कुल 350 मानव तस्करों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, पंकज कुमार, रूपेश कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद सैफुल्ला, पंकज कुमार दास, मृत्युंजय कुमार, धनंजय गिरी, कविता कुमारी, चंदन कुमार, अतीक खान, अजय कुमार, नुनु गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।